गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वेलकम करते हैं सबका। फिर से हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर टू, वीडियो लेक्चर नंबर टू। पहला मैं पढ़ा चुका हूँ, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले कल हमने बताया था जॉन डॉल्टन की थ्योरी, जॉन डॉल्टन ने बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साइंटिस्ट का नाम हमने बता दिया, लेकिन कैसे डिस्कवरी हुई वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट की थियोरेटिकल पोर्शन दे रखा है, उसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो वैसे मैंने आपको कल बताया था फंडामेंटल पार्टिकल्स, डॉल्टन्स की थ्योरी चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अलग अलग पोस्टुलेट। उसके बाद आज हम आगे बात करते हैं, जैसे डॉल्टन ने तो ऐसा कह दिया था कि एटम इज इंडिविजिबल, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एटम के अंदर जा रहे हैं, एटम के दो पार्ट हो जा रहे हैं, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस कंटेन टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली डिचार्ज। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा एटम इलेक्ट्रिकली डिचार्ज होता है, क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड ईच अदर, सो होल एटम इज इलेक्ट्रिकली डिचार्ज। अब हम कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जो मैंने कल बताए थे उनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। फंडामेंटल पार्टिकल, कल मैंने आपको बताए थे फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी, पाई मेसॉन, जीटा मेसॉन, न्यूट्रिनो एसेट्रा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बच्चों? एक तो बताया था इलेक्ट्रॉन, सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय सर जे जे थॉम्सन। दूसरा हमने बताया था प्रोटॉन, और तीसरी बात आपके साथ जो मैंने की थी वो था न्यूट्रॉन। अब ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको बताया था ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों ध्यान देना अच्छे से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.109 इंटू 10^-31 kg। ये बात भी मैंने आपको कल बताई थी। देखो इसी तरह से वो मास इलेक्ट्रॉन का है वो हाइड्रोजन के मास का या फिर प्रोटॉन के मास का कितने टाइम है, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 अपॉन 1837 टाइम्स मास ऑफ 7 टाइम्स ऑफ एच एटम, ऑफ एच एटम कह दो या फिर प्रोटॉन एटम कह दो। ये सारी बातें मैं इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग आपके साथ करने वाला हूँ बच्चों। उसके बाद प्रोटॉन का मास 1.672 × 10^-27 kg, 1.672 × 10^-27 kg। अगर स्टूडेंट इसको ग्राम में आप बदलोगे तो 10^-24 हो जाएगा, इसको ग्राम में बदलोगे तो -28 ग्राम हो जाएगा। वैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। न्यूट्रॉन का मास 1.675 × 10^-27 kg, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -24 हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बात बच्चों हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मास फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन का इतना, प्रोटॉन का इतना, न्यूट्रॉन का इतना, आपको पता रहना ही चाहिए। अब AAU में मास है वो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मास की एक यूनिट आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ी है। अगर मास है वो ये ग्राम और किलोग्राम में, अगर इसी मास को आप ग्राम में बदलोगे तो यहाँ -28, यहाँ -24, इज दैट क्लियर? नाउ AMU में मास पूछे, अगर AMU में तो आपको AMU वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कितना होगा, 5.485 × 10^-4। AMU के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 5.485 × 10^-4। AMU के अंदर 5.485
इंटू टेन डेज टू माइनस फोर AMU के अंदर ये हुआ इलेक्ट्रॉन का मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है स्टूडेंट? एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसी तरह से प्रोटॉन का मास 1.007 इन AMU, 1.007 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जो पहले चैप्टर में आपने मास की एक यूनिट पढ़ी थी, किलोग्राम, ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मास 1.008 AMU, 1.008 AMU। तो ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास की बात हमने यहाँ तक की है। अब हम बात करेंगे बच्चों चार्ज। आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब दूसरा सेकेंड पॉइंट, ये तो मास की बात थी, अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों चार्ज की। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? चार्ज की यूनिट होती है कोलम, -1.602 इंटू टेन डेज टू -19 कोलम इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी तरह से प्रोटॉन का चार्ज +1.602 इंटू टेन डेज टू -19 कोलम। बस फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल। तो ये थी चार्ज की बात। अब चार्ज है वो अलग अलग होता है, एक्चुअल चार्ज कोलम के अंदर ये मैंने आपको बता दिया। अब ESU चार्ज की एक यूनिट होती है, ESU इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। ये चार्ज की यूनिट जो है, मैंने अभी आपको चार्ज बताया वो किसमें बताया बच्चों? कोलम के अंदर बताया। अब चार्ज की एक और यूनिट होती है, वो होती है ESU में। अगर इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट में अगर आपको चार्ज जानना है एक्चुअल चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा ESU के अंदर चार्ज? 4.8 × 10⁻¹⁰ इन ESU इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। ये डेटा आपको बार बार पढ़ोगे तो ये कुछ चीज़ें हैं वो याद ही रखनी है, ताकि बहुत काम आएगी एग्जाम में न्यूमेरिकल करते टाइम एंट्रेंस के व्यू से। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ESU यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट के अंदर कितना चार्ज होता है? 4.8 × 10⁻¹⁰ ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसी तरह से अगर आपको प्रोटॉन पर चार्ज याद रखना है तो प्लस, ये माइनस में होगा, ये प्लस 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU। वैसे मैं 803 आगे तक बताता हूँ, लेकिन आपको इतना याद रखना 4.8, वैसे 4.803 × 10⁻¹⁰ होता है ये प्लस ESU के अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट के अंदर। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है, जीरो, ESU हो या कोलम्ब हो, सब में न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आपको ये पता ही है इनकी डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन सर जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया उसने, उसके लिए ये मास निकालने के लिए E/M एक्सपेरिमेंट किया। तो वो दैट इस माथाकूट में अपन थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे इतनी ज़्यादा, जैसे आपको थ्योरी NCERT में दी है तो वो एक्सप्लेन कर लूँगा मैं थ्योरी, लेकिन अपना मेन टारगेट क्या है? आवर टारगेट फॉर नीट, नीट जी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट से मतलब होगा और कॉन्सेप्ट के ऊपर चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स और लॉजिक बनाएंगे, समझ रहे हो? ये नीट का लेक्चर है, नीट अथवा JEE के हिसाब से हमको पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको पहले फंडामेंटल बेसिक तैयार करा दे रहा हूँ, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आते ही आप उसके ऊपर टूट पड़ो फट से। तो ये था इलेक्ट्रॉन का मास और ये है चार्ज। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत जगह हमारी जो कैलकुलेशन है वो ग्राम में दी होगी, तो यहाँ -28 होगा, -24 होगा, -24 होगा चार्ज। अब कभी भी आपको पूछेंगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इन ESU 4.8 × 10⁻¹⁰, न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो, प्रोटॉन पर चार्ज 4.8 × 10⁻¹⁰ प्लस का होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस का होगा। इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 × 10⁻²⁸ ग्राम, -31 किलोग्राम। इस तरह से आपको एक एक चीज़ ये याद होनी चाहिए, रिमेंबर इट, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्ज की बात हो गई, मास की बात हो गई, अब आता E/M रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात बच्चों, ये दो बातें तो हमने क्लियर कर दी, आपने नोट कर लिया होगा, E/M चार्ज मास रेशियो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने E/M का रेशियो डिटर्मिनेट किया साइंटिस्ट ने, वो क्या होता है दिमाग में रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो कितना होता है?
ई बाई एम रेशियो। अब मैं दो बातें मैं आपको बताई, अभी तक तो मैंने आपको एक मास बताया फंडामेंटल पार्टिकल का और चार्ज बताया, अब मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चों आपको, तीसरी बात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए तीसरी बात हम नोट करने वाले हैं, वो है बात नंबर थर्ड, दिस इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज के बाद ई एम, ई बाई एम का रेशियो, ई बाई एम इसको कहते हैं, ई बाई एम, ई बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज और एम बोले तो मास, चार्ज मास रेशियो। ई बाई एम मीन्स चार्ज मास का रेशियो कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में, बहुत कम लोग इसमें भूल करते, ये डेटा याद नहीं रहता बच्चों को। 1.76 इंटू 10^8 कोलम पर ग्राम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कोलम और मास की यूनिट ग्राम, तो कोलम पर ग्राम। E by M for electron 1.76 into 10^8, ये कैसे आएगा, E बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लो माइनस 1.602 10^-19, M बोले तो मास 9.109 10^-28, सॉल्व, दैट्स, समझ में आ गया होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा कूलम ग्राम। इसी तरह से प्रोटॉन पर E by M का रेशियो, प्रोटॉन का E by M रेशियो 9.48 into 10^4 कूलम्ब पर ग्राम, यहाँ 10^4 कूलम्ब पर ग्राम। और न्यूट्रॉन का ई बाई एम रेशियो कितना होगा बेटा, जीरो होता ही नहीं है ई बाई एम, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो। न्यूट्रॉन जेम सेडविक, प्रोटॉन गोल्डस्टाइन, इलेक्ट्रॉन सर जे जे थॉम्सन। पांचवी बात आपके साथ, सॉरी फोर्थ, ई बाई एम रेशियो के बाद फोर्थ बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो है डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवर्ड ये कैसे डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आप पढ़ना बुक में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, वैसे मैं सिखाऊंगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सारे लेक्चर देखोगे तो ये एक्सपेरिमेंट आएगा ही, वैसे बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप पढ़ना एक बार कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड ट्यूब लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, कैथोड और एनोड पर फ्लोरोसेंट ट्यूब पर फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस हुआ, और उसने कहा कि वैक्यूम प्रोड्यूस किया और नाम दिया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उस पूरे एक्सपेरिमेंट को, और उससे सर जे जे थॉम्सन ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन को नाम दिया नेगेट्रॉन सर जे जे थॉम्सन ने, स्टोनी ने फिर उसका इलेक्ट्रॉन नेमिंग दिया, तो दिस इज कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आप कहोगे भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ विद्यार्थी ध्यान देना स्टूडेंट, आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एनोड रेज द्वारा, एनोड रेज, ये मेरे जो शॉर्ट नोट्स आप याद रखोगे तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको, सारा चैप्टर की पूरी थ्योरी 5-5 पेज रटना, उससे ये हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपको सीधा याद ही रखना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एनोड रे, मतलब कम मेहनत में आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हो, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। बच्चों फिर से देखना, ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एटम्स, और जेम सेडविक ने इसकी डिस्कवरी कर ली, किसकी, ये किसने डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा, आपको पता ही है सर, एक टीचर थे सर जे जे थॉम्सन, उनके नाम के आगे सर लगता है क्योंकि वो बहुत फेमस थे, फेमस मीन्स बच्चों को पढ़ाया होगा, सर जे जे थॉम्सन। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट बाय द गोल्डस्टीन, सभी बच्चों को पता है बाय गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों, गोल्डस्टीन। एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, जेम्स चैडविक ने, लेकिन कैसे भाई, जेम चैडविक, लेकिन कैसे, जैसे ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ, ये एनोड रे से हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हुआ,
तो बम्बार्डमेंट ऑफ ए अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एटम, बम्बार्डमेंट जेम सैंडविच ने कैसे डिस्कवर किया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल, बहुत काम की बात है, बाय जेम्स चैडविक इन 1932। अब इतना आपको वो तारीख याद रखना ज़रूरी नहीं है बच्चों, 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, बम्बार्डमेंट शूट किया बेरिलियम एटम के ऊपर, अल्फा पार्टिकल को शूट किया, जैसे हम एक फायर करते हैं, आपको ऐसे फायर करें तो उसको कहते हैं बम्बार्डमेंट करना। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट यू नो अबाउट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज हाईली मूविंग हीलियम एटम, ये एक हीलियम एटम होता है, 2He4++ चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल्स, क्या होता है ये अल्फा, ऐसे लिखते हैं अल्फा, ये कहूँ ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किसके ऊपर कराई, बेरिलियम के ऊपर, बेरिलियम कौन है आप जानती हो, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली वाला बेरिलियम, कौन सा बेजान पब्लिक सुन लेगी अली वाला बेरिलियम, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली, ये बताया था मैंने आपको बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ खास बातों में, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली, ये वाला बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत आर इन एम्फोटेरिक, BeO एंड BeOH ऑल ट्वाइस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कौन कौन से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते, तो आपको एक ट्रिक्स बताया था, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारेड किसके ऊपर कराई, बेरिलियम के ऊपर, तो उसने क्या डिस्कवरी की, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, जान बोले तो जिंक का ऑक्साइड ZnO2, PbO2 लेड का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड SnO2, और अली बोले तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये पांच ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, जरा हटके इन बातों को दिमाग में रखना, जो आपका काम फटाक से करा देगी, ये दिमाग में रखना, बेजान पब्लिक सुन लेगी अली। तो हम क्या जान रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं जिसके कारण एटम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है। अब फंडामेंटल पार्टिकल की बेसिक जानकारी, सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए, 9.109 × 10⁻³⁻³ kg और −28 ग्राम, इसी तरह से प्रोटॉन का 1.672 × 10⁻²⁷ kg और न्यूट्रॉन का 1.675 × 10⁻²⁷ kg, ये तो हो गया मास। अब वही मास AMU में, प्रोटॉन का 1.007, न्यूट्रॉन का 1.008 और इलेक्ट्रॉन का अभी मैंने आपको बताया था AMU के अंदर 5.485 × 10⁻⁴ AMU के अंदर। तो ये मास था पहला पार्ट, दूसरा मैंने बताया था चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर −1.602 × 10⁻¹⁹, प्रोटॉन के ऊपर +1.602 × −19 और न्यूट्रॉन नो चार्ज। वही चार्ज के बाद E by M का रेशियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसको दिमाग में रखे, E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो, E/m रेशियो को क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो कितना होता है, 1.676 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, प्रोटॉन का 9.48 × 10⁴ कूलम पर ग्राम, ये बातें आपको अगर याद है तो बहुत काम आएगी बच्चों, और न्यूट्रॉन का चार्ज मास रेशियो 0 ही होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब NCERT आप पढ़ने जाओगे तो पूरा एक पेज भरा हुआ है कि कैथोड रेज में एक्सपेरिमेंट किया हुआ पूरा, लेकिन डिस्कवरी किसने की थी, सर जे जे थॉम्सन ने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया और उससे उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल का जेम्स चैडविक ने, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराया और कह दिया कि दिया गया पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये थे फंडामेंटल पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, ये इतना नॉलेज तो आपको मस्ट कंपल्सरी होना ही चाहिए, बाकी एक्सपेरिमेंट तो याद रखना है, हो जाएगा सर, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे जान रहे बच्चों, ध्यान देना, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, कल हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बहुत सारी बातें हैं, उनको हम यहाँ जानने ही वाले हैं बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, सेकंड बात पे। चलिए कुछ खास बातें दिमाग में रखना जो काम आया आपके। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड थिन गोल्ड सीट। अब आते एटॉमिक मॉडल, आपको ये बात पढ़ाई जा रही है कि हम एटम के अंदर डिस्कवरी एंटर हुए हैं, तो एटम के दो भाग होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप फेमिलियर हो गए, डॉल्टन को आपने झूठा साबित कर दिया एटॉमिक थ्योरी को, और यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज। तो इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, इस पार्ट को न्यूक्लियस, और उसको कहते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। ये अंदर का पार्ट न्यूक्लियस है, बाहर का पार्ट आउटर मोस्ट पार्ट है। तो बच्चों कुछ खास बातें जानना, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, एटम के दो भाग होते हैं ये न्यूक्लियस किसने बताया था, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने बाय द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड बाय, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब वो कैसे किया, क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, 0.5 mm डायमीटर की पतली एक गोल्ड फॉइल ली, 0.5 डायमीटर मतलब पेपर का एक पेज होता है, उस पेज से भी पतला गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई। तो क्या हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स उस पतली फॉइल को फाड़ते हुए सीधे निकल गए, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करवाया उसने 0.5 mm की गोल्ड फॉइल पर, और उसमें से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 19,999 पार्टिकल्स सीधे पास हो गए, लेकिन एक पार्टिकल्स पास नहीं हुआ और वापस लौट के आ गया। जैसे मैं क्या करूं कि ये 0.5 mm की डायमीटर, ये 0.5 से ज़्यादा, ये लाइन है ना, ये 0.5 डायमीटर से भी कम है, तो इतने डायमीटर की 0.5 mm डायमीटर की एक गोल्ड फॉइल ले ली, पतली पन्नी ले ली पेपर जैसी, और फिर यहाँ पर उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया, किसका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता बच्चों, मैंने आपको बताया 2He4+, ये अल्फा पार्टिकल होते हैं। कितने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट करवाए, 20,000 अल्फा पार्टिकल शूट किए, कितने 20K, 20,000 अल्फा पार्टिकल सीधे यहाँ से शूट किए, बम्बार्डमेंट कराया, गोली मारी। तो ये पतले पन्ने में से फाड़ के, सीधी सी बात है, इतना कम डायमीटर है, 0.5 mm मतलब पेपर का पन्ना होता है, उससे भी कम डायमीटर की ये गोल्ड फॉइल ली उसने, तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे यहाँ से इसको फाड़ते हुए पार निकल गए, सीधे निकल गए ऐसे, कितने 20,000 में से 19,999 अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए इसमें से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था, एक पार्टिकल जो पास नहीं हुआ बल्कि यहाँ टकराया और वापस आ गया बैक, और उस पार्ट को उसने क्या नाम दिया, यहाँ पर उसने एक नाम दिया कि कोई ना कोई मजबूत चीज, वेरी स्ट्रांग पार्ट है एटम के अंदर, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स सीधा नहीं पास नहीं हुआ बल्कि बैक आ गया वापस, और उस पार्ट को रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया बच्चों, न्यूक्लियस नाम दिया। इस तरह से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई।
अब न्यूक्लियस के रिगार्डिंग ऐसे तो डिस्कवरी होगी, वो डिस्कवरी तो हमें पूछी जाने वाली नहीं नीट में। इतना ध्यान रखना है आपको कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। IIT जैसे एग्जाम में ये बात थोड़ी पूछी जाती है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। हाँ, आपको नॉलेज होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या बातें आपको जाननी है, कुछ स्पेशल टिप्स आपको जानने हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। उसके लिए बच्चों ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, इट हैज़ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस, जब भी आपको पूछे कि न्यूक्लियस मीन्स व्हाट, तो पहली लाइन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पी प्लस एन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट बात, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो आगे आप मॉडर्न एंड फिजिक्स में पढ़ने वाले हो 12th में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये पूरा फिजिक्स में इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप 12th में करोगे, लेकिन आपको अभी से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस आपने बताया था कि एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकालोगे। तो आपके पास सीधा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। बच्चों ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से आप न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। Rn इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर ए इज द एटॉमिक मास, यू नो वेरी वेल XZa। कोई भी एटम के अंदर ये X खुद एटम होता है, एलिमेंट होता है, Z उसका एटॉमिक नंबर होता है, A उसका मास होता है, तो मास की पावर 1/3। अब बात आती है सर आर नॉट क्या होता है, आर नॉट इज द कॉन्स्टेंट, आर नॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आर नॉट कॉन्स्टेंट है, आर नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड वैल्यू ऑफ आर नॉट, या आर नॉट कोई कॉन्स्टेंट है और आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज 1.4 × 10⁻³⁻⁷ सेंटीमीटर, 1.4 × 10⁻³⁸ सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट। श्योर, एनी प्रॉब्लम, वट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट, 1.4 × 10⁻³⁰ सेंटीमीटर, मीटर में बदल सकते हो इसको, जिसमें आपको कन्वर्ट करना कर सकते हो, लेकिन दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट। अब मैं आप कहूँगी, आप ऐसा कहूँगी एल्यूमिनियम एटम के लिए आर नॉट तो इतना है, ए एल्यूमिनियम का AL, ए कितना होता है AL, एल्यूमिनियम का मास 27 होता है, तो यहाँ रखोगे 27³ और सॉल्व कर लो, रेडियस आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, कैलकुलेट द इस फॉर्मूले के ऊपर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, ये क्वेश्चन है, इसकी न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करो, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ इसकी AL 1327, तो आप ये आर नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करो, A बराबर ये मास 27 की पावर 1/3 करके सॉल्व कर लेना आराम से। सेकेंड फार्मूले के बाद थर्ड फार्मूले की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, मैं फार्मूला नंबर थर्ड ध्यान देना, अच्छे से बहुत काम आएगी। मीटर में इसको बदलना है तो कितना आएगा, 10⁻⁵ और सेंटीमीटर में 10⁻³⁰ है, ये तो आपको पता ही। अब आता वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻³⁹ सेंटीमीटर क्यूब। तीसरी बात बच्चों, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो आप कहोगे कि 10⁻³⁹ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³⁹ सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, और वो वॉल्यूम कितना क्या है, अबाउट 10⁻⁵ टाइम स्मॉलर देन ऑफ एटम, एटम से कितना छोटा है, 10⁻³⁹ पूरे एटम से 10⁻⁵ टाइम स्मॉलर देन एटम, 10⁻³⁹ सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁵ टाइम स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ एटम,
पूरे एटम से न्यूक्लियस कितना छोटा है, ये पूरा एटम है, इस पूरे एटम से न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, 10^-39, यानी कि इसका वॉल्यूम है 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे एटम से कितना छोटा है, 10^-15 टाइम स्मॉलर देन एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। ये एक बात बहुत काम की है, बहुत कम लोगों को ये पता होती है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, पूरी थ्योरी ये वो, लेकिन जो काम की बात है एंट्रेंस की रिगार्डिंग, वो बात नहीं पता होती है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी बच्चों को। तो इसलिए याद रखना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब, और वो पूरे एटम के वॉल्यूम से कितना छोटा है, 39 सेंटीमीटर क्यूब छोटा है, माइनस में, इसलिए वो स्मॉलर वैल्यू है, पूरे एटम के वॉल्यूम से 10^-15 टाइम स्मॉलर है। इस तरह क्लियर स्टूडेंट, तीन बातें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ी है। हम क्या बात की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस की ये रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, r0a1/3, न्यूक्लियस p+n, प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो उसका न्यूक्लियस का वेट बताओ, न्यूक्लियस क्या होगा, तो p+n कर लो, न्यूक्लियस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे बच्चों, XZA में एक क्वेश्चन आप घर से करना, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चंस बन जाए आपसे मैन, आप कोई भी रेफरेंस या कोई एंट्रेंस की बुक खोलो तो उससे क्वेश्चन बनने चाहिए, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आपको पूछे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हम पूरी बात किसकी रिगार्डिंग कर रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियस की रिगार्डिंग कर रहे हैं, बात नंबर एक, बात नंबर दो, बात नंबर तीन। अब मैं चौथी बात कर रहा हूँ आपके साथ, किसके बारे में, एटम नहीं पढ़ रहे हम, एटम के अंदर एक भाग होता है उसका नाम होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में ये सारे फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ आपको बच्चों। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, 10^-14, न्यूक्लियस की डेंसिटी, सॉरी 10^14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 14 ग्राम gm पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गई। सिक्स बात, फॉर्मूला नंबर सिक्स, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम में है तो 10^11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, टन में लिखना है तो 10^8, वो तो ये टन में हमारे यहाँ नहीं पूछते। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, एटॉमिक नंबर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखना बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी न्यूट्रल एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की नंबर और इलेक्ट्रॉन की नंबर इक्वल होती है। सिक्स बात आपके साथ करने वाला हूँ नंबर ऑफ मास नंबर ए, ये तो जेड था, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जेड बराबर क्या होगा, पी एंड ई, मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, ये बात इसके रिगार्डिंग है, फॉर्मूला नंबर पाँच के रिगार्डिंग। कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं बच्चों। अब बात नंबर सिक्स पे जा रहा हूँ मैं, देखना इधर, बात नंबर सिक्स है मास नंबर, क्या होता है मास नंबर, मास नंबर, ये चीज़ें कल मैं वापस आपको रिवाइज आप करके आना, इनके ऊपर प्रॉब्लम कराऊंगा। मास नंबर इज डिनोटेड बाई ए, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, p+n, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, p+n के बराबर होगा। मास नंबर a इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप कह सकते हो a इज इक्वल टू p+n, p+n बराबर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मास ही ए होता है। कोई भी सिंबल में एक्स जेड ए लिखते हैं तो मास नंबर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा,
अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। ये छह बातें आज के लिए आप दिमाग में रखिए बच्चों अच्छे से। अगर इसी मास को मैंने कहा डेंसिटी आप 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो, किलोग्राम में लोगे तो 10^11। बहुत कम लोगों को ये पता होती है एटम की डेंसिटी क्या होती है, आप पूछ के देख लेना आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को, पूरा 11 12th कर लेंगे। आप बेसिक चीज़ पूछोगे उनको जाके कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वो नहीं बता पाएंगे कि 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी पूछोगे आपकी एटम की डेंसिटी क्या होती, तो आप बता सकते हो 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बच्चों 10^8 टन। टन के अंदर आपको जाननी है, बड़ी यूनिट जो चलती है बाहर फॉरेन में टन में मेजर करते हैं, और टन के अंदर आ जाएगी 10^18 टन, 8 टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, TONNES टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और किलोग्राम में चाहिए यही अगर इसका, तो आप याद रख लो 10^11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी, ये सब डेंसिटी अलग अलग यूनिट के अंदर है बच्चों। तो अगेन मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस Rn इज इक्वल टू R0 a^3। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.4 × 10^-13 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो आप लिख सकते हो 1.4 × 10^-15 मीटर बच्चों। और R0 और a क्या है, मास नंबर। a किसके बराबर होता है, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अथवा न्यूक्लियस इज इक्वल टू p प्लस n। वो a मास ऑफ एटम इज इक्वल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास ही एटम का एक्चुअल मास होता है। तो Rn इज इक्वल टू R0 a^1/3। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिया है एल्यूमिनियम Al 20 1327 के लिए आप रेडियस निकालो एल्यूमिनियम एटम के, न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करो, करके लाना घर से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। वो पूरे एटम के वॉल्यूम का कितना टाइम स्मॉलर है, 10^-15 टाइम स्मॉलर है, याद रखना ये बात भी काम की है बच्चों। डेंसिटी न्यूक्लियस की कितनी होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या फिर टन में 10^8 टन पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, या किलोग्राम में 10^11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। मास नंबर क्या होते हैं, ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं मास नंबर। कोई भी एटम लिखते हैं हम तो एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक्स जेड ए। तो ए क्या है, उसका मास नंबर है, स्टैंडर्ड 9th में आप पढ़ के आए हो बच्चों। ए क्या है, मास नंबर है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। और एक्स क्या है, खुद एलिमेंट है। जैसे मैं लिखूं Al तो 1327, अब आप फेमिलियर हो गए होंगे, जान गए होंगे कि ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है, और व्हाट इज दिस, दिस इज उसका मास नंबर ए है, और Al खुद क्या है, ये एलिमेंट है। ये बात आपको पता चल गई होगी। वॉल्यूम पता रखना, डेंसिटी पता रखना, एटॉमिक नंबर P इजिकल टू जेड इजिकल टू ई न्यूट्रल एटम के लिए, मास नंबर A इजिकल टू P प्लस N। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर्मूला नंबर 7 पे बात करूँ मैं इधर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, उसके ऊपर भी कलम आगे चलेंगे। आपको बताया ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ये बातें बच्चों याद ही रखना, एटम का वॉल्यूम क्या होता है, एटम सॉरी न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, एंड फॉर्मूला नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चों ध्यान देना, फॉर्मूला नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लिशन कैबुली, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, n इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस p, या फिर ऐसा भी कह सकते हो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू a माइनस z। इज दैट क्लियर, फॉर्मूला नंबर 9 भी क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला नंबर 9 पढ़ लिया होगा। न्यूट्रॉन क्या होता, a माइनस p, n इज इक्वल टू a माइनस p। फॉर्मूला नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में, देखना एक आध फॉर्मूला और आपको बता दूँ अच्छे से क्या है और क्या नहीं। जाते जाते आपको इलेक्ट्रो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, ये हो गया सब। अब एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपका और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर,
एटम के अंदर इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और आउटसाइड द न्यूक्लियस मीन्स बाहर की पार्ट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, अच्छे से आप जानते हो। तो अब हम बात करते हैं, एटॉमिक मॉडल पढ़ाने बाकी है, कुछ थ्योरियाँ पढ़ानी बाकी है, वो सब हम बात करेंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फेथ करता हूँ। अब एक क्वेश्चन आप करना ट्राई, मैंने आपको सारी बातें तो बता दी है, अब क्वेश्चंस लिखो, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, वो करके दिखाना मुझे। बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम मैंने आपको निकालना बता दिया है, तो चलिए एक जाते जाते क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 0816। क्वेश्चंस कर लो ये नंबर पे। प्रॉब्लम नंबर एक, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग, कुछ बातें मैं आपको दे रहा हूँ, उनमें आप न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लो। नंबर वन यहाँ पर लिखना 92U238, सेकेंड AL1327। क्वेश्चन नंबर फोर, यही फार्मूला A-P अथवा A-Z, ये A होता है, ये Z होता है। और क्वेश्चन नंबर फोर, जर्मेनियम या फिर ये कर लो बोरॉन 5-11, और फोर नंबर पे K-39-19, और फाइव नंबर पे कैल्शियम 2040। अब आपको पता चल गया होगा ये उसका Z है एटॉमिक नंबर, और ये इसका A है, A-Z = N, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये पांच बातें आप घर से करके लाना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब मैं इस बात को यहीं फिनिश कर देता हूँ आज की क्लास को। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप रखिए इनके बारे में, कांस्टेंट वैल्यू क्या है। अब मैं कभी भी आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10^14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम में 10^11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टन में 10^8 टन पर सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ प्रोटॉन, वैसा याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ क्लियर, 1.672 × 10^-27 kg। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास, चार्ज, डेंसिटी, वॉल्यूम, कांस्टेंट वैल्यू है, वो सब आपको क्लियर होनी चाहिए एनी टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको याद रखना है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह ही जाएगी आपको। थैंक्स, फिर मिलते हैं बच्चों इसी टाइम, कल के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, फिर से पढ़ते रहिए इस तरह से। ओके।